अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है और या फिर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी चैनल को फॉलो करते हुए, गाइज मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आपको सबसे पहले लैंग्वेज के पोर्शन को समझना है। स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज इंग्लिश सीखना शुरू किया और आप एडवांस लेवल के ग्रामर को सीख रहे हैं या फिर आप वोकैबुलरी को सीख रहे हैं। वोकैबुलरी आप क्रैम तो कर लोगे, क्रैम का मतलब होता है रट तो लोगे, लेकिन आप उसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। यू इवन डोंट नो हाउ टू यूज दोज वोकैबुलरी इन योर डेली कॉन्वर्जेशन बाय मेकिंग सेंटेंसेस। सेंटेंस में हम किस तरीके से उस ग्रामर को, उस वोकैबुलरी को हम यूज करें। सो आपको सबसे पहले ग्रामर के छोटे छोटे यूजफुल स्ट्रक्चर को सीखना होगा जो आपको एक्चुअल में स्टार्टिंग में सीखना भी चाहिए, मैं ये रेकमेंड करूँगा। क्योंकि जब आप इन स्पोकन इंग्लिश के छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सीखना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे किसी के सामने, सो आपके साथ दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी चीज़ है आप लैंग्वेज के वर्ड्स को अच्छे से बोलना सीख जाओगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। जब हम इंग्लिश जब पहली बार सीखते हैं तो जब भी हम रीडिंग करते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो हम अच्छे से बोल ही नहीं पाते हैं, हमारी जो माउथ मसल उन वर्ड्स को बोल ही नहीं पाते, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, हम गलत बोलते हैं। अगर हमने तेज उस सेंटेंस को बोला, लाउडली अगर स्पीड में बोला तो हम कुछ और ही बोल जाते हैं। ये हमारे साथ होता है जब हम इंग्लिश सीखने लग जाते हैं। सो सबसे पहले आपको ग्रामर के छोटे छोटे पोर्शन को सीखना है। आज मैं इस लेसन से एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट लेवल, एडवांस लेवल तक आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस सीरीज में छोटे छोटे ग्रामर से आपको इंग्लिश सीखना सिखाऊंगा, राइट, कि कैसे हम इंग्लिश सीखें। सो आज के इस लेसन में हम बात करेंगे आदत को कैसे बताएं, इंग्लिश में आदत को कैसे बताएं। किसी के सामने हम अपनी आदत बता रहे हैं, जैसे मुझे भाई चाय पीने की आदत है, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, मुझे देर रात तक फ़ोन इस्तेमाल करने की आदत है, मुझे मूवी देखने की आदत है, मुझे इंग्लिश सॉन्ग सुनने की आदत है। सो इस आदत को हम कैसे बताएं, किस तरीके से, कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली हम इस टाइप के सेंटेंसेस को बोल सकें। सो आदत को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ के बाद हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है अगर आपको प्रेजेंट में आपकी आदत बतानी हो, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मुझे देर रात तक फोन इस्तेमाल करने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फोन एट लेट नाइट। देखो जब आप इन सेंटेंस को बोलोगे ना तो आप कॉन्फिडेंटली फील करोगे, कॉन्फिडेंस जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि शुरुआत में आप इनको फ्लुएंटली बोल पाओगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको करना इन टाइम इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने में। और एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे मुझे बुक पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, उसे जल्दी उठने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे लेट उठने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। सो आदत को बताते हुए आप इस टाइप के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बना सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हमें नेगेटिव बताना हो, मतलब मुझे वो काम करने की आदत है ही नहीं, सो आप इज एम आर के बाद नॉट लगा दोगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे रात में दूध पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। जैसे मुझे बुक पढ़ने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंज पर्सन, मुझे फोन पर बात करने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग ऑन फोन। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो, मतलब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि भाई साहब क्या आपको चाय पीने की आदत है, क्या आपको लेट उठने की आदत है, सो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे इज एम आर सब्जेक्ट इन द हैबिट ऑफ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो किसी से। क्या आपको नॉवल लिखने की आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ राइटिंग नॉवल, क्या आपको स्टोरी
पढ़ने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टोरी? क्या आपको इंग्लिश मूवी देखने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवी? इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अब हम बात करते हैं WH वर्ड्स की। WH वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं WH फैमिली, जो WH से स्टार्ट होते हैं। इनसे हम रीजन पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को बोला कि क्या आपको चाय पीने की आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी? वो रिप्लाई करेगा यस आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। आप उसे रीजन पूछ सकते हो, व्हाई आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, आपको चाय पीने की आदत क्यों है? सो WH फैमिली के इस स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं। WH इज एम आर सब्जेक्ट इन द हैबिट ऑफ ing form प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को आप WH फैमिली के वर्ड सेंटेंसेस को बना सकते हो। जैसे आपको सुबह जल्दी उठने की आदत क्यों है, व्हाई आर यू इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस टाइप से आप WH बना सकते हो, राइट? ये था आदत बताने के लिए प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में वो आपको आदत है। मान लो अगर आपको कोई भी आदत थी पास्ट में कैसे बताना हो, जैसे भाई मुझे चाय पीने की आदत थी, अब नहीं है, अब मैं वो आदत बिल्कुल छोड़ चुका हूं। सो पास्ट में बताने के लिए गाइज आप यूज करोगे वॉज वर्ब, इस सेम स्ट्रक्चर को, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, आपको इज एम आर की जगह वॉज वर्ब आपको यूज करना है। स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब इन द हैबिट ऑफ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम यही अफर्मेटिव। जैसे मुझे चाय पीने की आदत थी, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मुझे इंग्लिश सॉन्ग सुनने की आदत थी, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द इंग्लिश सॉन्ग्स। मुझे देर रात तक सोने की आदत थी, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट लेट नाइट, इस तरीके से आप इन द हैबिट से पास्ट की सिचुएशन को बता सकते हो, पास्ट की आदत को बता सकते हो। इसी तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो नॉट का इस्तेमाल करके, वॉज वर्ड के बाद नॉट लगा दो, ये सेम स्ट्रक्चर होगा। जैसे मुझे चाय पीने की आदत नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मुझे अनजान लोगों से बात करने की आदत नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंज पर्सन, इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हो। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाने हो तो आप वॉज वर्ड पहले यूज करोगे, वी वुड लाइक टू यूज वॉज वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, इन द हैबिट ऑफ आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे क्या, वर यू इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, वर यू इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, यस आई वॉज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। देखो जब आप इस टाइप के सेंटेंस बोलोगे तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? ऐसा लग रहा है कि हम इंग्लिश के सही ट्रैक पर हैं। सो इस तरीके से आप आदत को बता सकते हो इन द हैबिट को इस्तेमाल करके। अगर वो आपको आदत प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, अगर आपको पास्ट में है वो स्ट्रक्चर, वो आदत पास्ट में बतानी हो, पास्ट की कोई आदत बतानी हो, तो आप वॉज वर्ड सिंपली यूज कर सकते। सो ये था, आपको अगर इंग्लिश में आदत बतानी हो तो आप इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आदत आपकी प्रेजेंट की हो, चाहे आपकी वो पास्ट की हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज, आई हैव जस्ट क्रिएटेड द यूट्यूब चैनल इन ऑर्डर टू मेक योर इंग्लिश सो परफेक्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।